हम सब बचपन में ऐसे ही अपने दोस्तों से या फैमिली के साथ ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं घर लेता, गाड़ी लेता। आपका दोस्त कहता है कि वो इन पैसों से पूरी दुनिया घूमता, और आपका एक और दोस्त कहता है कि भाई मैं तो इन पैसों को कहीं खर्च ही नहीं करता बल्कि इसे इन्वेस्ट करता ताकि मुझे फ्यूचर में इससे और पैसा मिले, जिसे हम सब एक समझदार आदमी मानते थे। मेरे साथ स्कूल में बहुत होता था, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता था कि अगर मेरे पास इतने पैसे हो गए तो उसमें से इतने पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा और इतने खर्च करूंगा। पर आज मान लेते हैं कि आपके और आपके दोस्त के पास 5 साल पहले यानी कि 2017 में 5 लाख रुपए थे और आप दोनों इसे ग्रो करना चाहते थे। जहां आपका दोस्त इन पैसों को निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां उनका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट होता है, पर आप थोड़ी सी रिसर्च करके इंडिया की सबसे बड़ी एशियन की कंपनी एशियन पेंट में अपने 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो, तो आप गेस कर सकते हो कि इसका डिसीजन ज्यादा सही है। अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स को बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इंडिया के टॉप कंपनीज है जो डेफिनेटली अच्छे से रिटर्न्स देगी, बट रिजल्ट कुछ और ही है। जहां आपका दोस्त निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हुए 5,09,78,750 रुपए हो जाते हैं, यानी कि निफ्टी से उसको लास्ट 5 साल में अराउंड 95% का रिटर्न मिलता है। बट आपके एशियन पेंट के 5 लाख रुपए की स्टॉक की वैल्यू आज 15,96,850 रुपए हो जाती है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल 219% का रिटर्न मिलता है। ये पावर होती है सही बिजनेस में आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करने की। पर सवाल यह आता है कि 5 साल पहले आपको कैसे पता चलता कि एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? अगर मैं कहूँ तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि आप कंस्टेंटली मार्केट को बीट करके कई सालों का स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, जहां आप सीनेक्स और निफ्टी 50 से भी ज्यादा 4 से 5% के एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हो, और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम रिस्क मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वोलेटिलिटी भी कम रहेगी, यानी जब मार्केट नीचे आएगा तब भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। लो रिस्क रोड टू स्टॉप इंडोस वेल्थ, जो इस बुक का सबटाइटल भी है, जिसकी समरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, लेसन नंबर 1, हिस्ट्री बिहाइंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मेथड कोई नई स्कीम नहीं है, इसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। पहले के टाइम में जब लोग बैंक को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो नंबर में बहुत ही कम थे और लोगों के घर से बहुत ही दूर, हर कोई बैंक नहीं जा सकता था, इसलिए लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए एक कॉफी कैन में जमा करके अपने घर में छुपा के रखते थे। रॉबर्ट किर्बी नाम के एक आदमी ने सबसे पहले इस पैटर्न को 1965 साल में ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट उस टाइम कैपिटल गार्डियन ट्रस्ट में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब कर रहे थे, जहां उनका मेन काम वेल्थी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना था कि उन्हें पैसे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शॉप को खरीदना चाहिए और किसे बेचना चाहिए। एक दिन उसके एक क्लाइंट की डेथ हो गई थी। उसका वो क्लाइंट उसकी कंपनी से एडवाइस लेकर अपनी वाइफ की पोर्टफोलियो को बिल्ड करता था, और डेथ के बाद उसकी वाइफ रॉबर्ट के पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आई, जहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट को कैश आउट करना चाहती थी। उसके पोर्टफोलियो की स्टडी करते हुए रॉबर्ट ने कुछ ऐसा नोटिस करा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड उनके कंपनी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे, और जहां उन्हें जब इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता था तो वो उस टाइम पर तुरंत अपने सेव किए हुए $5,000 उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जैसे ही उन्हें किसी स्टॉक को सेल करने के लिए कहा जाता था तो वो उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इन्वेस्ट करा और किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करा। और जब रॉबर्ट ने उसके हस्बैंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर पेरेटो प्रिंसिपल का यूज किया गया है, जहाँ उनकी 80% वेल्थ का रीजन सिर्फ उनके 20% इन्वेस्ट का था, यानी उनके पोर्टफोलियो ने कुछ ऐसी कंपनीज ने बहुत एवरेज परफॉर्म किया था और कुछ कंपनीज 80% लॉस में थी और कुछ कंपनीज तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। बट इससे उसको पोर्टफोलियो पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में से गिनी चुनी 2 से 3 कंपनीज ने उनको $1 लाख का रिटर्न दे दिया था, और उन्हीं में से एक जंबो इन्वेस्टमेंट भी था जिसने उन्हें $8 लाख का रिटर्न दिया था, यानी इस एक कंपनी ने उनके इंटायर पोर्टफोलियो को बीट कर दिया था। रॉबर्ट इस बाय एंड फॉरगेट अप्रोच से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने इस टीम का नाम कॉफी कैन पोर्टफोलियो रख दिया। उनके हस्बैंड ने सिर्फ इतना करा कि वो इन्वेस्ट करके भूल चुके थे, और जब कई सालों के बाद उनके पोर्टफोलियो को देखा गया तो इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट मिलियन ऑफ डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेसन नंबर 2, कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन इंडिया। इस बुक के ऑथर सुभाष मुखर्जी मार्सेल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ हैं। 2018 में सुभाष मुखर्जी जब एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे तो वो अपनी टीम के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जहां उनका गोल ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इंडिया स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है, जहाँ उन्होंने अपनी टीम के साथ ये पता लगाया कि ये मेथड इंडिया स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ रहा है, जिसका मतलब कोई भी एवरेज इंसान आसानी से सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट कर सकता है। और साथ ही जब मार्केट डाउन होती है तो वो अपनी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और भी अच्छे से हाई रिटर्न्स लाने हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और खुद को टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक रीड करते रहता हूँ और इनकी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी बुक को रीड करिए। लेसन नंबर 3, हाउ टू बिल्ड कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको कुछ सिंपल फिल्टर्स को यूज करके कुछ चुनिंदा स्टॉक को पिक करना है, जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 7000 कंपनीज हैं और आपको अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए सिर्फ 12 कंपनीज की जरूरत है। इस कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए 3 मेजर फिल्टर है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, मार्केट कैप। ऑथर कहते हैं कि जो कंपनी 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन से कम मार्केट कैप की होती है उन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होने के लिए कई गलत डाटा प्रोवाइड करती है। पर एक इन्वेस्टर के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट पर ट्रस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज। ROCE से किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट से कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना ज्यादा उस कंपनी का ROCE होगा, उस कंपनी में उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। आपके कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए किसी भी कंपनी का मेन ROCE 15% होनी चाहिए। नंबर 3, एनुअल ग्रोथ रेट। इस फिल्टर के कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखा जाता है। 2007 से 17 तक इंडिया की नॉमिनल GDP ग्रोथ अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल GDP ग्रोथ में हम किसी भी कंपनी की इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते, यानी अगर हम इंडिया में इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की GDP अराउंड 13.8 से ग्रो हो रही है। अगर आप टॉप 1% कंपनीज में से आपके लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे एनुअली एटलीस्ट अपने कंट्री की नॉमिनल GDP ग्रोथ को मैच करना चाहिए। इसलिए उन कंपनीज को देखो जो पिछले 10 सालों से हर साल 10% से ग्रो हो रही है। नाउ ऑथर कहते हैं कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप उस कंपनी के मार्केट शेयर को देखो जो कि मेन 100 करोड़ का होना चाहिए। अगला, उसका प्रिंसिपल डाटा देखते टाइम बस उसके कंपनी के ROCE पर नजर डालो जो कि लास्ट 10 सालों में कम से कम 15% होना चाहिए। और लास्ट में ये देखो कि 10 सालों में वो कंपनी कितने ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है, जो कि मेन 10% होना चाहिए। नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉफी कैन पोर्टफोलियो सिंस 1991। इन्हीं फिल्टर्स का यूज करके ऑथर और उनकी टीम ने 1991 में एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करा, जिसके बाद उसकी करंट वैल्यू से उसको कंपेयर करा, जिससे उन्हें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिले, जहां इन गिनी चुनी कंपनी ने 6 सेंस हर पीरियड में बीट कर दिया था। इवन 2008 के गोल्डन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने मार्केट को बीट करके अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो क्या है, तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये इतना सक्सेसफुल कैसे हैं? वेल, कन्वेंशियल नॉलेज कहती है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बट कॉफी कैन पोर्टफोलियो इन सभी लॉजिकल रीजन के बिना भी आपको 10 से 15% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। जब मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जिससे वो कॉफी कैन मेथड इतना सक्सेसफुल है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। हम सब ने ये बात सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज है उसका एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लास्ट 10 सालों में 10% की एनुअल ग्रोथ शो कर रही है और उनका ROCE अराउंड 15% के आसपास ही रहा है। देखने में ये काफी इजी टारगेट लगता है जिसे कोई भी बिजनेस अपने बेटर मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग के साथ अचीव कर सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये टारगेट अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में 7000 कंपनीज में से 99.8% कंपनीज इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है, यानी आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो टॉप के 1% है जिन्होंने कई डिसाइड से अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखा। नंबर 2, डोमिनेट। CCP कंपनीज अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। अगर कोई कंपनी ईयरली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रही है, अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है, और अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी दे रही है तो उस कंपनी की तरफ नेचुरली लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है जिससे वो मार्केट लीडर बन जाती है। मेरिको जैसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था, जो आज के टाइम पर कोकोनट रिफाइन एंड एडिबल ऑयल की मार्केट को डोमिनेट कर रही है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते तो आपने कभी ना कभी पैराशूट कोकोनट ऑयल को जरूर यूज किया होगा। इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी मेरिको ही है, जिसका कोकोनट ऑयल मार्केट शेयर 59% है। अगला है ITC लिमिटेड कंपनी। इसका कई प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे या फिर जानते होंगे। जब बात होती है लीगल सिगरेट सेल और तंबाकू प्रोडक्ट को सेल करने की, ITC उसमें 80% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। और ऐसी कंपनी जब आप अपने CCP पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, जिस सिंगल कंपनी पर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, जिसका रातों रात बंद होना नियरली इम्पॉसिबल है। और साथ ही जो कंपनी अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है वो किसी और कंपनी को मार्केट में जगह बनाने नहीं देती, इसीलिए बड़ी कंपनी और बड़ी हो जाती है और ना जाने कितनी छोटी कंपनी आती है और चली जाती है। इसलिए जब आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हो तो आप सुकून की नींद सो सकते हो, जहां ऑटोमेटिकली आपका पैसा ग्रो होने लगता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।